हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन प्रैक्टिस सीरीज। दिस इज अवर लेक्चर नंबर 9 एंड द टुडेस टॉपिक इज इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजरमेंट। लर्निंग आउटकम, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल एबल टू डिस्क्राइब द प्रोसीजर टू मेजर द इंसुलेशन रेजिस्टेंस। इन द प्रीवियस लेक्चर we studied about the pole mounted substation. In this lecture we studied the layout diagram and single line diagram of pole mounted substation. Also we studied the equipment and accessories required for 11 kV pole mounted substation. So in this session we are going to learn about insulation resistance measurement. It is the responsibility of the user that the insulation of electrical switchgear has been tested and the result is recorded before commissioning the equipment. मतलब ये हर यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि कोई भी इक्विपमेंट खरीदते वक्त उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करें कि वो प्रॉपर है कि नहीं है, क्योंकि इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टिंग गिव्स द गुड इंडिकेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ द इक्विपमेंट। क्योंकि इंसुलेशन रेजिस्टेंस की जो टेस्टिंग करते हैं उससे हमको पता चलता है कि हमारा इक्विपमेंट गुड कंडीशन में है कि नहीं, एंड दिस टेस्ट रिकॉर्ड कैन हेल्प इन डिसाइडिंग द मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट फॉर द होल इक्विपमेंट। और ये टेस्ट से हमको पता चलता है कि इसको मेंटेनेंस की जरूरत है कि नहीं। इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजरमेंट इज कंपैरेटिवली इजी फॉर रूटीन टेस्ट। ये इजी तरीके से हो जाता है इंसुलेशन का टेस्टिंग कि उसका इंसुलेशन प्रॉपर है कि नहीं है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट आर स्ट्रिक्टली कंपैरेटिव। ये कंपैरेटिव तरीके से होती है कि प्रीवियसली उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस कैसा था उससे कंपेयर करके हमको इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट इज मेजर्ड बाय मेग ओम मीटर, दैट इज मेगर। इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर हम किससे करते हैं? मेग ओम मीटर से। इसी को क्या बोलता है, बोले जाता है मेगर। द मेगर कंप्राइजेस अ मेग ओम मीटर विथ बिल्ट इन डीसी जनरेटर। मेगोम में दो रहते हैं, एक मेगोम मीटर प्लस डीसी जनरेटर रहता है मेगर में। द मिनिमम रेटिंग इज जीरो एंड द मेगर मैक्सिमम रेटिंग ऑफ मेगर इज इंफिनिटी। द स्केल इज इन मेगोम। मेगर की जो स्केल रहती है वो रहती है मेगाओम में। द टू टर्मिनल्स ऑफ द मेगर आर कनेक्टेड अक्रॉस द इंसुलेशन, that is one to the conductor and other to the earth body। इसमें जब भी हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करते हैं तो उसके दो टर्मिनल रहते हैं, तो उसका एक जो टर्मिनल रहता है वो कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं जिसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस हमको मेजर करना है, और दूसरा किससे कनेक्ट किया जाता है? अर्थ बॉडी से। और The handle is rotated by the hand or any motor। तो जो इसका हैंड रहता है, हैंडल रहता है, उसको हम एक तो हाथ से घुमाते हैं या फिर उसके लिए मोटर से इस्तेमाल करते हैं। अगर फास्ट घुमाना है तो उससे उस कंडीशन में मोटर का यूज किया जाता है। The insulation resistance indicated by the pointer in megohm। For high voltage switchgear, 1000 volt or 5000 volt DC meger is preferred। जब हमको high voltage की switchgear का अगर insulation resistance measure करना है तो उस condition में हमको 1000 volt या फिर 5000 volt का DC meger use करना पड़ता है। The insulation resistance of high voltage switchgear is very high and the voltage applied for the resistance test to the insulation varies accordingly to the voltage rating of the switchgear। जब हम
इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए जो वोल्टेज सप्लाई देते हैं तो वो वेरी करता है किस पे, जो स्विच गियर हम यूज करने वाले हैं उसके वोल्टेज रेटिंग पे। तो दिस इज अबाउट द इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजरमेंट। सो लेट अस समराइज इन ब्रीफ, इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजरमेंट क्या किसके लिए करते हैं, ताकि हमको पता चले कि हमारा इक्विपमेंट गुड कंडीशन में है कि नहीं। और जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर किससे करते हैं, हम मेगोमीटर से, जिसे को बोला जाता है मेगर। मेगर की जो स्केल रहती है ये मेगा ओम में रहती है। मेगर किससे बना होता है, मेगोमीटर एंड डीसी जनरेटर से, जिसमें कि दो टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल कंडक्टर को कनेक्ट किया जाता है जिसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस हमको मेजर करना है, और दूसरा टर्मिनल अर्थ बॉडी से कनेक्ट किया रहता है। तो दिस इज अबाउट द इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजरमेंट। असाइनमेंट, एक्सप्लेन द इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजरमेंट। प्यूज सेटिस्फाइड बाय द टुडेज लेक्चर आर एज शोन इन दिस टेबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग।